जब मैंने इन्वेस्टमेंट खुद शुरू किया तो मुझे पता चला कि मेरे ऐसे कई लोग होंगे जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ मालूम नहीं है और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने सोचा कि किस तरह से कॉमेडी फिल्म बनाऊँ इस सब्जेक्ट पे, कि किस तरह से एरर होता है, ट्रायल होता है इन्वेस्ट करने का, तो उस पर से 700 सेंसेक्स। आजकल अच्छी फिल्मों का दौर है, आजकल अच्छी फिल्मों का अच्छी इन द सेंस जो अलग किस्म की फिल्में हैं, डिफरेंट किस्म की फिल्में हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी उन्हीं फिल्मों में से एक है। ये कॉम्बिनेशन तो माशाल्लाह है, सास बहू और सेंसेक्स, पांच छह औरतों की उम्मीदें, उनके सपने कि हम लोग अपने किटी पार्टी पैसों के साथ कर के आ सकते हैं। और कहानी ये है कि ये लोग अपना सारा पैसा पूल करके सेंसेक्स में डालते हैं, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है सेंसेक्स में, क्योंकि ये पांच छह औरतें मास्टर नहीं हैं और ये एक स्टॉक ब्रोकर के भरोसे पे उन्होंने अपने मेहनत के पैसे इन्वेस्ट किए। और फिल्म में आप यू नो ऐसा होता है कि भी स्टॉक ब्रोकर शायद गलत है, शायद उसने कुछ गड़बड़ किया हुआ है, बट स्टॉक ब्रोकर बहुत मजबूत आदमी है और उसने बड़े ख्याल लगा के उन्होंने इन्वेस्ट किया है इन औरतों के लिए। और आप फिल्म देखेंगे क्या होता है, इन लोगों के पैसा मुख से बहुत अमीर हो जाते हैं। पॉजिटिव फील करता हूँ, मेरा ख्याल से ये नई जनरेशन बहुत अच्छी फिल्में बनाती है। सास बहू और सेंसेक्स जो है आज की कहानी है, कॉमेडी फिल्म है, लाइट फिल्म है, एक लाइट टेक ऑफ है, तो आई एक्सपेक्ट गुड थिंग्स फ्रॉम द फिल्म और मेरी बेस्ट विशेस हैं उनके साथ। मॉम की फिल्म है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है मॉम से, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, तो एंटरटेन होने आए हूँ एक्चुअली, कॉन्ट्रडिक्ट करना नहीं चाहता, इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके मैं फिल्म में कभी आता नहीं, हालांकि मॉम की फिल्म है तो इन्जॉय करने आया। बहुत खुश हूँ मैं, तो इसलिए आज का दिन आया है, मुबारक दिन है सबके लिए, शोना के लिए बहुत मुबारक दिन है और मेरी शुभकामनाएं उन सबके साथ हैं और अपने साथ भी हैं कि अच्छी जाए। बहुत एक्साइटेड हूँ फिल्म को लेकर, मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगती हैं और ये मेरे दोस्तों की फिल्म है और इसमें जो हीरोइन है मासूमी मखीजा, वो एक फिल्म में मेरी भी हीरोइन है जो अभी आने वाली है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर हर एंड फॉर द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। अच्छा स्क्रिप्ट, इस फिल्म को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं एंड मुझे उम्मीद है कि यू नो बहुत मेहनत करके बनाई गई फिल्म है एंड इट शुड रियली डू वेल। जिस तरह छोटी फिल्में बनना शुरू हुई हैं हिंदुस्तान में और बहुत बड़ा इम्पैक्ट बना रही हैं, जैसे कि घोसला का घोसला, प्यार के साइड इफेक्ट्स, वेंसडे, ऑल दिस काइंड ऑफ फिल्म्स आर मेकिंग इम्पैक्ट, उम्मीद ये है कि ये भी बहुत अच्छी फिल्म है और लोगों को बहुत पसंद आएगी। दिस मूवी इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी बिकॉज इसमें तनुश्री है। आई लाइक टू बी पार्ट ऑफ थिंग्स दैट पीपल ट्राई न्यू थिंग्स लाइक दस कहानी वाज समथिंग न्यू, आई थिंक दिस इज अगेन अ कंप्लीट नॉवल आइडिया, इट्स समथिंग दैट पीपल विल रिलेट टू, इट्स समथिंग दैट यू कैन हैव फन, यू कैन एंटरटेन एंड लर्न समथिंग एंड कम होम विद। Log on to www.erosentertainment.com.